बैक टू चैनल दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है एक और नए जर्नी व्लॉग में। और यस, आज मैं हूँ ऑनबोर्ड लोकोमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर सिकंदराबाद जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में। और नॉर्मल सिर्फ मैं थर्ड एसी में जर्नी नहीं करने वाला, आज हम जर्नी करने वाले हैं उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ फर्स्ट क्लास एसी में क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, बाद में ट्रेन का रन कैसा रहता है, और वो डीजल हॉल दुरंतो है उसको अल्को ट्विंस लगता है मोस्टली, अल्को की राइड होने वाली है। तो मैंने कैब बुक की है, कैब में बैठता हूँ और आपको सीधा मैं कैच करता हूँ ट्रेन के अराइवल में। दोस्तों मेरे पीछे जो आप कार्ड देख रहे हो वो है एलटीडी कोयम्बतूर एक्सप्रेस, और अपनी ट्रेन लेट हो चुकी है लगभग 20-25 मिनट्स। मेरे कोयम्बतूर से आई, इसके बाद अपनी दुरंतो आएगी। मेरा जो कोच है H1 वो सबसे लास्ट है, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट आता है, तो लेट्स सी कितना चलना पड़ता है अभी आगे। और ये है एलटीडी कोयम्बतूर एक्सप्रेस, जो कि इसको पहले निकालेंगे फिर बाद में अपनी दुरंतो को इसी प्लेटफॉर्म पर लेने वाला है। दोस्तों कोयम्बतूर एक्सप्रेस निकल चुकी है और अभी अनाउंसमेंट हुई कि लगभग 25 मिनट डिले है गाड़ी हमारी, तो ठीक है वो रात को तो कवर कर देगी। सोलापुर के बाद तो नॉन स्टॉप रन है हमारा, तो आपको रन भी दिखाऊंगा मैं। और लेट्स सी लिंक क्या होती है हमारी ट्रेन की। ये है 27 कोच, ये है दुरंतो डिलीवरी, ये भी पूरा खाली है। फाइनली ट्रेन आ चुकी है हमारे पीछे यार, बहुत देर का डिले था ट्रेन ट्रेन को आने में। और हमें ऑनबोर्ड केटरिंग है, सुबह बस ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी भी लेगा। और फिलहाल पैंट्री भी देखो, पैंट्री एकदम फ्रेश लग रही है मेरे को, 2020 मेड पैंट्री कोच है हमारा, ये पूरा खाली है। मतलब ये AC2 पुडुचेरी दादर एक्सप्रेस डिपार्ट होने के लिए तैयार। फाइनली अपना ये है फर्स्ट एसी प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, जल्दी से एंटर करते हैं अपने कोच में क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो ये है मेरा केबिन सी और मेरा है आठ नंबर। और पानी की बोतल ऑलरेडी दे रखे उन्होंने, अगर देखते हैं कौन सा कोप खाली हो तो ट्राई करेंगे। बट ऐसा कैसा है हमारा फर्स्ट एसी। फाइनली वी डिपार्टेड फ्रॉम पुणे जंक्शन विद अ डिले ऑफ 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, आधे घंटे का डिले है। मैंने बिस्तर बिछाया है, मेरा तकिया और ये अपना कंबल। और आपको मैं अब सीधा मिलूंगा जब भी मेरे नींद खोलेंगे, जब भी कुछ दिखाने लायक नहीं है बाहर, सब अंधेरा है। और पानी की बोतल भी दी गई है हमें, तो गुड नाइट। जो ट्रेन मनमाड़ रोड से जाती है वो यहीं से गुजर के जाती है। इस स्टेशन का फ़ायदा ऐसा है कि जब ये स्टेशन नहीं था तो ट्रेनें दौड़ स्टेशन पे जाकर रिवर्सल लेती थी, तो वो सस्ता है, तो मेरे को आधा एक घंटा बस्ता ट्रेन का।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और अभी बज चुके हैं सुबह 7:30 और देखो कितनी सुंदर मॉर्निंग हो चुकी है। और सॉरी मैं आपको कोल्हापुर नहीं दिखा पाया क्योंकि नींद में था यार बहुत। अभी चलते हैं बाहर, आपको बाहर के कुछ नज़ारे दिखा रहा हूँ। और चलो केबिन में क्यूट सी पर्शियन कैट आ चुकी है, आपको दिखाते हैं हम। दो दो पर्शियन कैट्स है, क्यूट सी पर्शियन कैट। सो आई जस्ट टेक यू सो आई डोंट नो वेदर दे विल कम आउट और नॉट। यहां पर दोनों अभी घबरा रहे हैं बाहर आने के लिए। बहुत क्यूट है, बहुत 6 मंथ्स के हैं दोनों। मैं तो देख रहे थे दोस्तों। अभी मॉर्निंग टी दी गई है हमें और मॉर्निंग टी में नॉर्मल इसमें टी दी है उन्होंने, बट मैंने बोला कि आप मतलब पैंट्री में फ्रेश बना के दो, मेरे को डीप वाली टी नहीं चाहिए। उन्होंने बना के दिए टी मेरे को, उसके साथ है मारी बिस्किट, बाद में ये वेट वाइप है और बाद में सैनिटाइजर है। अभी ये खाता हूँ, इसमें ज़्यादा रिव्यू करने वाली बात ही नहीं है कुछ, बस चाय की टेस्ट बताता हूँ बाद में कैसी है। बाद में हम अभी शहाबाद गया, अभी शहाबाद गया वाड़ी में टेक्निकल स्टॉप होगा इसके बाद। तो दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम वाड़ी। और ये अपना टेक्निकल स्टॉप है, यहाँ पे अपना क्रीव चेंज होगा, लोको पायलट गार्ड चेंज होने वाले हैं। और खूबसूरत सा वाड़ी, वाड़ी जंक्शन। गाइस आपको वाड़ी की एक चीज़ बता दूँ, वाड़ी से अपन जो लाइन से जाने वाले हैं वो लाइन जाएगी टुवर्ड्स सिकंदराबाद और एक लाइन जाती है टुवर्ड्स कुंतकल, मतलब जो वाड़ी के बाद कुंतकल गुट्टी धर्मावरम के गुट्टी से एक धर्मावरम लाइन जाती है, फिर बाद में कुंतकल से सीधा जो लाइन जाती है वो तिरुपति की तरफ जाती है, रेणीकुंडा की तरफ जाती है। तो अभी वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम वाड़ी। ये शेड्यूल स्टॉप नहीं है, यहाँ से आप बोर्ड भी नहीं कर सकते, डिबोर्ड भी नहीं कर सकते। डिबोर्ड कर सकते हो बट बोर्ड नहीं कर सकते, टिकट नहीं बुक होगा यहाँ से। बट खूबसूरत सा मॉर्निंग का नज़ारा वाड़ी से। फाइनल हम डिपार्ट हो चुके हैं एक अनशेड्यूल हॉल्ट के बाद वाड़ी से। और यार अभी बड़ा मिल रहा था यार मेरे को, लेना तो बट नहीं ले पाया, गर्म गर्म इडली बड़ा मिल रहा था। चलो कोई नहीं, रास्ते में अभी हमें कॉर्नफ्लेक्स दिए गए, कॉर्नफ्लेक्स उसके साथ एक केला, बस इतना भी खाना है, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। और अभी वाड़ी डिपार्ट कर चुके हैं। ऑनेस्टली बताओ तो नॉट सेटिस्फाइड इनफ, क्योंकि आपको छोटे से थाली में सर्व किया गया पूरा, मतलब यार देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, इतनी सी थाली में कैसे खाएगा बंदा ये बताओ। वो एक तो पहली बात तो ये नॉर्मल सेकेंड ए सी थर्ड ए सी वाला इसमें दिया है, कोई नहीं भैया थैंक्स। तो मैंने एक्स्ट्रा मांगा, एक्स्ट्रा तो दे दिया उसने, तो ठीक है। अब ये भी चढ़ाया गया पोहा है, मेरे को बता रहे फ्रेश बनवाया है। सर कस कैसा है पोहा बता मेरे को। इट्स नॉट दैट गुड, आई फर्स्ट एसी के हिसाब से नहीं लग रहा ना उतना अच्छा। इट्स वेट एक्चुअली, मेरे को पता ही था यार ये हॉट केस में गर्म करके दिया है उसने, सोलापुर से चढ़ाया है, मेरे को ये भी पता है। बट अब क्या बोले यार, फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा हूं, आपको ऐसी चीजें मिल रही है।
फाइनली वी हैव अराइव्ड एट सिकंदराबाद हैदराबाद और ये है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, बहुत जानी मानी ट्रेन। सो भाई लोग, अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आ चुका है और अब मेरे पास ज़रा सामान ज़्यादा है इसलिए मैं अभी बाहर चल के व्लॉग एंड नहीं कर रहा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही किसी नए धमाकेदार शानदार ज़बरदस्त व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब भी अपना ख्याल रखना। पीस आउट।